हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल कंपनीज़ के रिजल्ट ऐसी कंपनी जो हमने खरीदी है या हमारे पोर्टफोलियो में है या फिर खरीद आ, आगे के बारे में हम खरीद भी सकते हैं और कुछ में से एग्जिट करना है कुछ में से एंट्री करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट और कब एंट्री करनी है एग्जिट करिए उससे रिलेटेड भी कभी ना कभी बात करेंगे अदरवाइज अभी इस वीडियो में तुरंत के तुरंत बात करेंगे तो वीडियो में चलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते बहुत सारी कंपनीज आप देख ही रहे ऊपर बात करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ते बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा सपोर्ट करिए जितना हो सकता है शेयर करें सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज आती रहती है वीडियोज को देखिए बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो, वो चार्जेबल सर्विस है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और चलते हैं यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले करके हम बात करेंगे शेयर इंडिया शेयर इंडिया एक मल्टी बैगर स्टॉक जो हमने अपने पोर्टफोलियो में 550 फिफ्टी पे बाई किया था आज की डेट में आठ सौ पे ये शेयर चल चुका है मैं ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट तो हम देख सकते हैं इनलेक्स में रिजल्ट है इस क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के और लास्ट ईयर के सेम uh, क्वार्टर के रिजल्ट सॉरी uh, ये वाले रिजल्ट है लास्ट ईयर के ये वाले रिजल्ट लास्ट ईयर के ओके okay, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलत हाँ ये ईयरली बेसिस पे ये क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा अलग कर रखा है पैटर्न तो कोई नहीं कंफ्यूज नहीं होना टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इस बार का सोलह सोलह हजार तीन सौ बारह रुपीज समझ जाना आ, एक साल पहले सात हजार तीन सौ तेरह और इस लास्ट क्वार्टर में ग्यारह तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे अगर हम देखें तो अच्छी खासी जंप है एक्सपेंस की बात कर ले तो एक्सपेंस में आप मल्टीपल चीजे दिखेंगी एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ है ग्यारह एक साल पहले पांच हजार आठ सौ तीन और क्वार्टर पहले आठ तो ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंसिव बढ़ा है यहाँ पर और भी कुछ चीजें अगर हम देखते हैं पर टैक्सेस वगैरह तो आप देख सकते हैं इस बार का टैक्स भी ज्यादा ही है और हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तीन तो हजार आठ सौ दस लैक्सिंग रुपीज से पहले ग्यारह सौ तीस एक साल पहले और अगर बात करें लास्ट क्वार्टर में चौबीस सौ चौदह तो ईयर क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है काफी बेहतरीन पर हुआ है और ऐसे ही मल्टी बैकर शेयर पर चुनते रहते हैं तो इसलिए फॉलो करिए ओके आपको ऐसे शेयर कम प्राइस पे दिलाते हैं और अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी बेहतरीन है जिसके पास है बने रही है थाउजेंड रुपीज तक का लेबर बहुत जल्दी मिलेगा अदरवाइज जिसके पास नहीं है थोड़ा सा टाइम दी

बने से भाई चौबीस सौ निन्यानवे तो एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर या यह ये बहुत सारी चीजें होती है तो ये चीज देख लिए एक्सेप्शनल लॉस यहाँ पर लॉस होता हुआ कुछ नजर आ रहा है वो भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है नोट 3 है पढ़ना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगी इसके अलावा प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दो

कंपनी में यहां पर ध्यान दीजिएगा और अगर हम बात करें यहाँ पर ईपीएस की तो ईपीएस भी उसी हिसाब से घटता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पर कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पर रखिएगा और बाकी थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट हो सकता है तो यहाँ पर करेक्ट हो तो इस चीज को लीजिएगा सुनील हेल्थ केयर ये शेयर से लेटी हमने बात करी थी जब ये बत्तीस रुपए का शेयर हुआ करता है मुझे आज भी याद है और यहाँ पर देखे तो ये साठ रुपए पचास रुपए पचपन रुपये तक जाता हुआ है तो यहाँ पर पचपन साठ परसेंट के रिटर्न मिलते हुए नजर आए थे तो मल्टीपैर स्टॉक्स इंडेक्स में यहाँ पर रिजल्ट इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर ये इस सेम पैटर्न है टोटल

टोटल इनकम की बात करें उसके बाद मौका नहीं मिला इसे खरीदने का जब मिला था तो उसके बाद शेयर भाग गया था तो कोई नहीं बट इन मिलियंस में रुपीज में रिजल्ट है सेम अगर बात करें यहाँ पर चौबीस हजार तीन सौ तिरानवे लैक्सियन रुपीज मिलियंस रुपीज से, से पहले तेईस हजार इससे पहले बाईस तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर इनकम में जम्प है एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो हम बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड की यहां पर एक्सेप्शन आइटम्स भी हो सकते हैं तो बीच में देख लीजिएगा बट अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पता चल जाएगा ये तो छह हजार तेरासी मिलियन रुपीस पांच सौ चौरानबे इससे पहले एक हजार अस्सी तो अगर हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पर जंप है प्रॉफिट में बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है और गिरावट किस वजह से है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूर हुआ होगा वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर दिफोर

ओके यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर उनतालीस हजार पांच सौ पांच इस हजार बत्तीस हजार इससे पहले चौबीस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे जंप है इसके अलावा एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इसके अलावा हम देखते है हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहाँ पर देखिए तीन हजार छह सौ उनसठ ये लैक्सी रुपीज इससे पहले पच्चीस सौ आठ इससे पहले चौदह सौ चालीस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया कल की ध्यान दीजिएगा ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है ईपीएस भी इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये एक शेयर ऐसा शेयर है जो अभी तक भागा नहीं है प्रॉपर्टी के शेयर में तो थोड़ा सा

तो पंद्रह हजार छह सौ तेहत्तर लैस रुपी से चौदह हजार पंद्रह हजार दो सौ पच्चीस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर कंपनी का इनकम में जंप है बट एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं इयरली बेसिस पर कम है बट क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक्सेप्शन आइटम का कोई पर एडजस्टमेंट नहीं है तो अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स एक्सपेंस यहाँ निकालने के बाद तो वो आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के आएगा जो कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है तीन हजार आठ सौ बत्तीस से पहले छत्तीस सौ बयासी इससे पहले चौतीस सौ बीस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर भी कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ

आज की डेट में कंपनी शेयर काफी यहाँ पर भाग चुका है इनलैक्स में यहां यहाँ पर रिजल्ट है यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट लास्ट क्वार्टर ही लास्ट ईयर तो इन लैक्स में तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे अपने इनकम में, में जंप है काफी सारी बयालीस बयालीस हजार चार सौ पचपन है तीस हजार बाईस हजार पांच सौ सात तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे जंप है एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी देख सकते हो उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक्सेप्शन आइटम का कोई भी यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है तो नेट प्रॉफिट की बात करें छह हजार सात सौ पांच इससे पहले दो हजार नौ सौ चौवन चौहत्तर इससे पहले एक हजार आठ सौ उनतालीस तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर जंप होता हुआ नजर आ रहा है ईपीएस भी इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कहने का मतलब क्या ये शेयर मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि

है तो यहाँ पर देखिए अदर अदर इनकम की ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है तो अदर इनकम को कभी नहीं मानते तो इस चीज़ को याद रखिएगा फिर भी एडजस्टमेंट तो होता ही है एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस यहां पर इस बार के कुछ ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं चार सौ इससे पहले कम थे और इससे पहले भी कम थे तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं इसका इफेक्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है छेनवे रुपीज से पहले एक बनवे तो ईयरली बेस पे जम्प है बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट है वो भी ज्यादा गिरावट है और वो उसका रीजन आपको पता ही है यहाँ पर फोर्टी करोड़ रुपीज का फोर्टी थ्री पॉइंट का यहाँ पर एडजस्टमेंट तो उसकी वजह से ये सब चीज होती हुई नजर आ रही है कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं और जितना गिरना था शेयर ऑलरेडी गिर चुका है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हुआ तो हो सकता है उसके अलावा यहाँ पर कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट होने होने की चांसेस नहीं है यहाँ पर उसी तरीके से देखिए ईयरली बेसिस पे आ, यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे भी देख लेते हैं क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ईपीएस से हमें समझ में आ जाएगा तो देखिए ये क्लियर पिक्चर है अठारह है इससे पहले बाईस था इससे पहले बारह ईयरली तो बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे, पे गिरावट है डीप अकनाइटेड बेहतरीन शेयर है थोड़ा बहुत करेक्शन है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम तो इस वो सब चीज देखनी पड़ेगी बाकी कंपनी काफी बेहतरीन है करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो ज्यादा करेक्शन के यहाँ पर चांसेस नहीं है इसके अलावा हम बात करें अडानी uh, इंटरप्राइजेस इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं इन करोड़ में रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें तेरह हजार पांच सौ सत्तानवे करोड़ बारह हजार नौ हजार सात सौ नौ हजार तीन सौ बारह तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे इनकम बढ़ रही है एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम यहाँ पर और भी कुछ चीजें देखे तो यहाँ पर टैक्सेस वगैरह इनके होते हुए नजर ये टैक्सेज है और यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो देखिए एक सौ चौर यहाँ पर करोड़ का प्रॉफिट हुआ इससे पहले दो इस सौ पहले चार सौ पैंतीस तो ईयरली बेसिस पे और एज एज वेल क्वार्टरली बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट है ये ये वो चीज आप यहां पर देख ही सकते हैं देखिए इसके सिंपल सा रीजन एक्सपेंसिस कंपनी एक्सपेंसिस भी उसी तरीके से यहाँ पर करती हुई नजर आती है तो एक्सपेंसिस पे अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर इतने बड़े भागे भी है तो इस हिसाब से गिर भी सकते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा दूर ही रहिए तो ठीक है आरती ड्रग्स बहुत इसने कर लिया लगभग सवा साल से कंसोलिडेट कर रहा है इसके रिजल्ट इन लैक्स में यहाँ पर आपके सामने ही है नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल इनकम की बात करें तो इस बार की इक्यावन हजार एक सौ उनसठ ओके okay, लेक्सिंग रुपीज से पहले पचास हजार इक्यावन हजार पांच सौ तो बयालीस और so, ईयरली बेसिस गिरावट है बट क्वार्टरली बेसिस पे इनकम में जंप है uh, और यहाँ पर कुछ और देखे तो यहाँ पर अदर इनकम में भी यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है बट कोई इशू नहीं है स्टिल यहाँ पर ज्यादा इनकम है टोटल एक्सपेंस की बात करें पैंतालीस आठ सौ सैंतालीस से वे चौबालीस से वाले बयालीस तो एक्सपेंस इस बार के ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर इनके कॉस्ट मटेरियल की ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर और भी कुछ चीजें देखे तो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम तो कुछ नहीं है प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर टैक्स वगैरह यहाँ पर दे रक, दे ही रखा है तो अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा चार हजार एक सैटल रुपीज से पहले चार हजार पाँच सौ चौवन छह हजार नौ सौ अठहत्तर तो ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस पर भी इसने यहां पर बेकार परफॉर्मेंस किया है जिसकी वजह से अगर हम देखें ईपीएस घटता हुआ नजर आ रहा है तो दोबारा यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है और शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर ईपीएस देख लेते सीधे तो ईपीएस आपको समझ में आ जाएगा ये गिरता हुआ नजर आ रहा है तो से थोड़ा सा अभी दूर रख रही है अब बात करते सोना बी एल डब्ल्यू अभी न्यू लिस्टिंग

दिखाई दिया था तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा इनकम होती हुई ज्यादा टोटल इनकम यहाँ पर ज्यादा दिखा रहा है तो इस चीज को भी एडजस्ट करके अपने माइंड में चलिएगा यहाँ एडजस्ट नहीं होगा बट माइंड में चलिएगा टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस देखिए यहाँ पर ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं बाईस बाई सौ छियालीस से पहले उन्नीस सौ सत्ताईस चौदह सो चार तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पर देखें तो देखिए लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर आ, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट और होता हुआ दिखाई देता है एक्सेप्शनल आइटम का जो की आप रेफर नोट थ्री करेंगे तो आपको पता चल जाएगी ओके इसका भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा तो हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो प्रॉफिट जो ईयरली बेसिस पे है वो यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है बट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो हम

क्वार्टरली बेसिस पे जंप है बट ईयरली बेसिस पे गिरावट नजर आ रही है सात सौ छिहत्तर यहाँ पर इससे पहले सात सौ दस सेवा आठ सौ चौवन तो अगर एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रही है एक्सपेंस देखे तो इस बार एक्सपेंस uh, और ज्यादा होते हुए दिखाई दिए है यहाँ पर नौ सौ अट्ठावन इससे पहले सात सौ बातीसो सत्तानवे तो एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो, uh, तो यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहाँ पर देखिए एक सौ इकहत्तर लैख मिलियन से रुपीज का लॉस है इससे पहले इकसठ इससे पहले, इस पहले कंपनी प्रॉफिट में थी तो कंपनी द्वारा यहाँ पर लॉस पे लॉस पे लॉस दिखाई जा रही है बट कंपनी एक एवरेज पे आ जाए तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिएगा बाद में देखेंगे जब इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास और भी आईटी कंपनी है जो बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखा है। तो रही है, अब इसके बात करते है आ, एक सौ था, एक पे आपको दिलाया था मैंने भी और यहाँ पर इन में इसके रिजल्ट है टोटल इनकम देख सकते हैं नौ इससे पहले क्या उनहत्तर इससे पहले बासठ सौ तो ईयरली बेस पे यहाँ पर इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है जो कि एक बेहतरीन चीज है यहाँ पर बात करें एक्सपेंसेस की एक्सपेंस देख सकते हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्शन आइटम का को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है बट अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की टैक्स एंड ऑल देने के बाद तो वो आप देख सकते हैं 501 सेट ओके okay, 501 सेट लाख से रुपीस से पहले 77 लाख का लॉस था इससे पहले 4400 उन्नतर पॉइंट एक चार अम, लैक्शन रुपीज का प्रॉफिट था तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और क्वार्टरली बेसिस पे होता है तो और बेहतरीन है जो कि यहाँ पर इनके ईपीएस में भी झलकेगा आप देख सकते हैं ईपीएस यहाँ पर इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा गिरावट है बट क्वार्टरली बेस पे पर ईपीएस इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जारो टाइल्स एक लंबे टाइम के लिए एक बेहतरीन शेयर है इसके अलावा बात करते हैं एक और विषय यहाँ पर शेयर बालाजी एम बालाजी एम आपको पता ही है काफी बेहतरीन यहाँ पर शेयर है ओके okay, हमने अभी यहाँ पर गिरा था तो हमने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किया था इंडेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिकल्स कंपनी में हमेशा क्या हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इनके कॉस्ट की मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर इनके एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट भी असर आ रहा है तो यहाँ पर एक्सपेंस अगर बात करें टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं चार तैंतालीस हजार नौ सौ बत्तीस इससे पहले उनतालीस हजार इससे पहले अट्ठाईस हज़ार तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो चौतीस हजार छह सौ चौतीस से पहले अट्ठाईस हजार से पहले इक्कीस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर एक्सपेंस एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं एक्सेप्शन राइटर को एडजस्टमेंट नहीं है बट टोटल यहाँ पर टोटल टैक्स एंड ऑल यहाँ पर एडजस्टमेंट करके देखे तो छः हजार नौ सौ अगर बात करें सीधे बात कर लेते हैं यहाँ पर सात सात हजार रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले आठ हजार एक सौ बत्तीस से चार हजार तो ईयरली बेस पर कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है जैसे बिकॉज ऑफ इनके एक्सपेंस भी उसी तरीके से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे सकते है। और हैं और एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें उस चीज को भी थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करके चलिएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए चेंज इन इन्वेंट्रीज तो ये थोड़ा सा ज्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये सारी चीज देखिएगा तो कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू से काफी बेहतरीन है इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आए होटल डिविजन यहाँ पर जो भी है, का है। ये सबसे यहाँ पर इनके कितने प्रॉफिट होता है वो नजर आ रहा है यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर की बात करें तो कंसोलिडेट नंबर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो वो भी अच्छा खासा ईयरली बेसिस पे लगभग डबल ही है क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है थोड़ी सी तो ज्यादा ही गिरावट नजर आ रही है तो थोड़ा सा कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर रखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनेगा शॉर्ट टर्म के व्यू से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है तो कंपनी ये है अब कुछ कंपनी के रिजल्ट अभी तक आए नहीं थे हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह के अदरवाइज में आपको उसके रिजल्ट भी दिखा देता तो सो फार अगर हम देखें तो कंपनी के काफी रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं तो थोड़ा सा किसी में एक्सपेंसिव ज्यादा हुआ है किसी में कुछ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ किसी में हमें एंट्री लेनी है किसी में हमें एग्जिट लेना है उस चीज को ध्यान में रख रखिएगा तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है हमारी हमारी सर्विस चाहिए तो व्हाट्सअप का नंबर नीचे है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस